हमारी फिल्म की सबसे मजबूत कड़ी हमारे कन्हैया जी, जिन्होंने हमारी फिल्म को एकदम छोटे से लेके बड़े तक संभाला है। हमारी फिल्म बड़ी हो चुकी है, इन्होंने हमारे फिल्म के लिए सारे रूट वर्क करे हैं, एक्चुअली ए टू जेड सारा काम किया है। तो ऑल क्रेडिट गोज टू मिस्टर कन्हैया जी। अरविंद कुमार मौर्य, स्वागत करता हूँ अपने भोजपुरी ए टू जेड पर। और आज दबंग बहुरिया की सेट जो आज शूटिंग कंप्लीट हुई, और आज कहाँ पे लखनऊ में चंडिका मंदिर के दरवाजे माथे पर ये लोग पहुँच चुके हैं। और आइए, खासकर हम जानते हैं भैया भी हमारे साथ हैं, इस डायरेक्टर सर हैं, प्रोड्यूसर सर हैं, और इस फिल्म के हीरो हीरोइन भी है। थोड़ी देर बाद मैं उनसे मिलाता हूँ। भैया, क्या कहना है, आज फिल्म कंप्लीट भी हो गई और आज क्या क्या सोचा? आज हम लोग माता रानी माँ चंडिका देवी के दरबार में है, तो फिल्म इनके आशीर्वाद से फिल्म कंप्लीट हुई हमारे दबंग बहुरिया, बहुत शांतिपूर्वक सुखद तरीके से, और बहुत कमाल की एक मूवी बनी। तो बस माँ का आशीर्वाद मिले, माँ के हाजिरी लगाने आए हैं। हमारे फिल्म के निर्माता हमारे साथ हैं, लीड विलेन बहुत बढ़िया कलाकार संदीप यादव जी हमारे साथ हैं, एसोसिएट कन्हैया है, कृष्णा यादव जी हैं, हमारी पूरी टीम। देखिए वहाँ हमारी हीरोइन, हमारी कैमरामैन उधर दिखा दीजिए, जो हीरोइन है आकांक्षा जी है, हमारी दबंग बहुरिया। इधर देख लीजिए मैम, एकदम परचेजिंग भी चालू कर रही है। मैम, मैम कैसी हैं? पहली बात तो बताइए, आज क्या कुछ खास है, कुछ बताना चाहेंगी? जी हाँ, आज बहुत कुछ खास है। अब हमने अपनी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करी है, तो हम जा रहे हैं माता रानी चंद्रिका देवी के दर्शन करने, उनसे ढेर सारा सा आशीर्वाद लेने कि हमारी पिक्चर एकदम सक्सेसफुल हो, सुपर डुपर हिट हो। और जब तक भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तब तक तो फिर हर चीज अधूरी रह जाएगी। जब भगवान का मिलेगा तो ऑडियंस का भी ढेर सारा आशीर्वाद मिल जाएगा। आप तो दिख रहे हैं हीरो साहब के उधर परचेजिंग में लगे हुए हैं, क्या करना चाहे भैया आज जो है दर्शन करने, और क्या कुछ खास रहा भाई? हम लोगों की फिल्म जो है वो उसकी शूटिंग कंप्लीट हो गई है दबंग बहुरिया की, तो आज बहुत फेमस मंदिर है ये चंद्रिका देवी मंदिर, तो हम लोग यहाँ प्रार्थना करने आए कि माता जी की हमारी फिल्म अच्छी चले, लोगों को पसंद आए, और इसी बहाने हम लोग दर्शन भी कर लेंगे माता जी। कब तक ये शूटिंग हुआ मैम, कुछ कितना दिन हो गया कुछ दर्शक? फिलहाल तो हम लोग यहाँ पर 16-17 दिन हो गए हम लोग को यहाँ पे शूटिंग करते हुए, और बहुत मजा आई है शूटिंग करने में। जैसा फिल्म का नाम है फुल ऑन दबंग बहुरिया, वैसी हम लोगों ने फुल ऑन शूटिंग करी है, फाइट करी है, गाने करे हैं, एकदम धूम धड़ाके करे, और सेट पे बहुत सारी मस्ती करी है। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हमारे को आर्टिस्ट, और आप देख ही सकते हैं हम आज विलेन और जो है हीरो हीरोइन दोनों सब साथ में ही आए। हमारी फिल्म की वैम्प, हमारे फिल्म के विलेन हम संदीप यादव जी, और हमारे फिल्म के हीरो निसार खान, और हीरोइन ऑब्वियसली दबंग बहुरिया। डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर साहब भी हैं, सब हैं। आइए, मेरे साथ मोना मैम भी हैं, और मोना मैम क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि शूटिंग के पहले हम लोग मुलाकात नहीं हो पाई, आज जो है माँ के चरणों में हम लोग भी मुलाकात कर रहे हैं, तो कैसा फिल्म है कुछ बताना चाहेंगे? फिल्म तो बहुत जबरदस्त है, हर कोई अपनी फिल्म के बारे में तारीफ ही करता है, लेकिन हम तारीफ ही नहीं करते, आप देखने पर आप मुझे बोलेंगे कि हाँ जबरदस्त फिल्म बनी है। और हमारी फिल्म इतनी जल्दी बहुत अच्छी फिल्म बनी है, हमारे दबंग बहुरिया 16 दिन में हमने फिल्म कंप्लीट कर दी है। माता रानी के आशीर्वाद, उनके क्या बोलो, उनके बहुत बड़ा हम पर कृपा है जो हम इतनी जल्दी कर चुके हैं। हमारे डायरेक्टर, हमारे प्रोड्यूसर, हमारे को एक्टर, हमारी एक्ट्रेस दबंग बहुरिया, हमारे हीरो निसार खान, संदीप जी हमारे को एक्टर, सबका साथ था, हमारी पूरी टीम का साथ था, जो हम इतनी अच्छी फिल्म बना पाए। एक प्रोड्यूसर होते हैं जो फिल्म को तैयार कर, मतलब एक फ्लोर से लेकर और अंतिम तक लगाते हैं, तो भैया आप क्या कह रहे थे, जिस तरह आपकी फिल्में कम्प्लीट हुई और आज जो है माता जी के दर्शन करने हम लोग भी पहुँचे हैं, आपके साथ भी पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे कुछ बताएं भैया? देखिए, ये इस फिल्म की शुरुआत हुई थी राकेश जी के साथ, और पहले मैं इस टीम को नहीं जानता था, और मैंने राकेश जी के साथ इस टीम की शुरुआत करी, और आज ये बोल सकता हूँ कि ये एक पूरा परिवार, जितना कोऑपरेशन मुझे पूरे टीम से मिला, और एक अच्छी फिल्म जो इन्होंने वादा किया था कि मैं एक अच्छी फिल्म बनाऊंगा, आज एक छोटे से छोटे स्पॉट बॉय से भी अगर हम बात करें अपने टीम के, तो वो भी खुश है इस चीज़ को लेके कि हमने एक अच्छी फिल्म बनाई है। ये हम लोग के लिए सबसे बड़ी बात है कि जो एक सोच लेकर हम आगे बढ़े थे, उस चीज़ पर हम लोग अभी तक खड़े उतरे हैं, और आगे भी उम्मीद है कि इस टीम के साथ आगे भी काम करते रहेंगे हम लोग, और अच्छी से अच्छी चीज़ बनाते रहेंगे। आइए, और हम लोग, हमारे साथ में टीम है और हम लोग भी दर्शन करेंगे साथ में। अब भैया क्या कहना चाहेंगे आप, तो एक क्योंकि मैंने भी फोटो सोशल मीडिया पर आपका देखता रहता था कि जो है, तो क्या कुछ खास रहा, कुछ दर्शक शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। राकेश त्रिपाठी जी की लिखी हुई ये मेरी तीसरी फिल्म है, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि उनकी कलम में मेरे लिए किरदार होता है, और विशेष तौर पर ये फिल्म हमारे दबंग बहुरिया मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि ये ना सिर्फ राकेश जी की लिखी हुई है
बल्कि उनके निर्देशित की हुई भी फिल्म है। और जो इस फिल्म की सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है जो दर्शकों को पता होनी चाहिए और इसलिए इस फिल्म को ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा सराहना मिले, आज जब हम पुरुष प्रधान समाज की बात करते हैं जहाँ चारों तरफ पुरुषों का वर्चस्व है, ऐसे में एक ऐसी फिल्म आती है हमार दबंग बहुरिया जिसमें महिला प्रधान कहानी है और किस तरह से महिलाएं समाज को रूल करती हैं, किस तरह से महिलाएं तमाम सारी परेशानियों के बावजूद भी, तमाम सारे अकेलेपन, तमाम विरोध के बावजूद भी अपने समाज को लीड कर रही हैं, तो उस तरह से ये कहानी है। और हमार दबंग बहुरिया, जो हमारी दबंग बहुरियाँ हैं, वो आकांक्षा ने किरदार किया है और आकांक्षा ने बहुत बेहतरीन तरीके से अपने अभिनय के सारे रंग इसमें दिखाए हैं। तो मैं आप सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि आप ये फिल्म ज़रूर देखें, इसको बहुत अच्छा प्यार मिले, बहुत अच्छी फिल्म। आइए हम चलते हैं भैया के साथ, भैया से बात करते हुए, और कृष्णा जी आइए इधर, हम चर्चा करते हैं और साथ में दिखाते भी हैं कि हमारे जो है पूरी टीम चल रही है दर्शन करने। क्या कहना चाहेंगे आप, तो एकदम खुले रहते हैं, सोशल मीडिया बहुत एक्टिव रहती है, और कृष्णा भैया आप बताएं। सबसे बड़ी बात है कि आज चंडिका देवी के मंदिर में आए हैं, चंडिका देवी बारिश आने लगी अंदर और बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला, हमने फिल्म कंप्लीट की है।